शहर या हाईवे को बंद करेंगे, चक्का जाम तहरीक शुरू करेंगे। इतनी टेक्निकल अड़ी अड़चन नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का अकलियती का शहर है, ठीक है, इसलिए कोई अड़ी अड़चन नहीं है। हो सकता है सभी भाई की बात सही हो, मगर मैं एक जिम्मेदार होने के नाते सर्विस रोल है, सिर्फ मालेगांव में नहीं है ना, नहीं नगर सेवक होने के जिम्मेदार होने के नाते मैं मानव समाचार मानवता के हक में। मानव समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर एक मरतबा फिर से एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई है। हादसा नेशनल हाईवे पर रिजवान पार्क साबुन की फैक्ट्री के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों तालिब बच्चे एक मदरसे के तालिब इल्म थे। आइए सारी जानकारी के लिए हम बात करेंगे इन साहबान से। क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ यह हादसा? अभी तकरीबन मगरिब के वक्त हम लोगों को फ़ोन आया। पहले तो एक एम्बुलेंस वाले ने कॉल किया, उसके बाद हाईवे से एक बंदे ने कॉल किया कि किसी गाड़ी वाले ने ये दो बच्चों को मारकर भाग गया है। स्पॉट पे गाड़ी रुकी नहीं है, ये बच्चे रोड के किनारे पड़े हुए थे दोनों, और ये दोनों का जगह पे इंतकाल हो गया था। एक बच्चे का नाम मुसद्दिक है और एक का नाम उबैद नाम है। दोनों बच्चे हाफिज़ थे और ये दोनों बच्चे मदरसे में पढ़ के पढ़ाई मुकम्मल करके, अभी एक बच्चे ने तरावी भी सुनाया था पिछले रमज़ान में, और एक बच्चा हिफ्ज़ मुकम्मल करके वो भी अभी तरावी सुनाने वाला था। ये तकरीबन दो महीने के अंदर हम को देखने में ऐसा है, हम लोग जितने सोशल वर्कर हैं यहाँ पर, हम सब लोगों को ये देखने में आया कि दो महीने में तकरीबन 12 से 13 केसेस हो गए हाईवे के ऊपर। जो स्टार होटल हो गई, तुम्हारा मड्डे होटल हो गई, उधर जो हादसात होते हैं पार वाली हद्दी के अंदर, क्या पता हम लोगों को ऐसा लगता है कि मालेगांव के साथ बार बार सौतेला सलूक होता है। अभी ये हाईवे जब बना था, हाईवे बनने में भी हमारे साथ सौतेला सलूक हुआ है। जहाँ भी हाईवे बनता है आप लोगों ने देखा होगा, और इस चीज़ का सभी को इल्म होता है कि वो सर्विस रोड छोड़ते हैं। हमारे मालेगांव में चौपुल्ली के उधर अगर तुम चले जाएंगे ब्रिज के उधर, तो ब्रिज के उधर और इधर सर्विस रोड बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मालेगांव स्टार्ट होता है वहाँ से कोई सर्विस रोड नहीं है। हमारे अपने नौजवान बच्चे त्यौहार बार पे बाहर जब निकलते हैं तो ये हादसे एकदम 100% होते हैं, हर हाल में होते हैं। बच्चे अगर किनारे भी चलते हैं तो छोटी गाड़ी वाले उनको वर्टेक करके जब निकलते हैं ना, तो वो वर्टेक करने में वो बच्चों को मार कर चले जाते हैं। तो ये मालेगांव शहर वालों की जिम्मेदारी है, अब हमारे मालेगांव शहर के जितने भी लीडर्स हैं इन लोगों की जिम्मेदारी है कि हाईवे वालों को इसकी कंप्लेन दे, और कंप्लेन दे के उसको जल्द से जल्द ये सर्विस रोड मुकम्मल करने की बात करे। अगर अब सर्विस रोड मुकम्मल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सोशल वर्कर जितने भी हमारे साथ अभी मौजूद है, हमने आयद किया है कि हम लोग धरना आंदोलन इसके बारे में कड़े करेंगे और इसके खिलाफ़ हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल हम लोग तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये हम लोगों से अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि बार बार हाईवे से नौजवानों की लाशें उठाकर लाना ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि लाते हैं ना तो हमारा खुद का दिल दहल जाता है। अभी ये हादसा हुआ तो मैं खुद मेरे बच्चों को फ़ोन लगाया और पूछा कि बेटा कहाँ पे हो तुम लोग, अर्जेंट घर पहुँचो। आदमी घबरा जाता है ना, इस तरीके के हादसे त्यौहार बार पे रेगुलर हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ मालेगांव के शहर के लीडरों से कि वो सर्विस रोड बनाए, नहीं तो हम लोग हाईवे का चक्का जाम करेंगे। फिर ये बच्चे किस मदरसे के तालिबे इल्म थे? ये मोहम्मदिया मदरसे के तालिबे इल्म थे। इसी के साथ साथ जहाँ पर हाईवे के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें इसका कसूरवार ठहरा, वही कहीं ना कहीं शहर के जो बच्चे हैं जो घूमने फिरने जाते इनके भी कहीं ना कहीं गलती, उसके लिए कुछ आप अपील करेंगे? अभी अपील तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पूरे मालेगांव शहर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जब तक शुरू था आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चे कहीं निकल रहे थे, ना पानी में नहाने के लिए जा रहे थे और ना हाईवे पे कहीं निकल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव का जो हादसे का वो रेशो था वो बहुत कम था, नहीं के बराबर नहीं हुआ ही नहीं। कोरोना के अंदर जो मौतें हुई है उसके अलावा एक्सीडेंट के केस बोलो या पानी में डूबकर मरने के केस बोलो, ये सब नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, ख़त्म नहीं हुआ बोले तो हमारे लोग अपने निकल गए हाईवे के ऊपर, त्यौहार बार मनाने के लिए निकलते हैं, खूब गर्दी एक साथ करते हैं, और हाईवे पर ऐसा चलते हैं ना तो गाड़ी वाले पीछे से मार कर चले जाते हैं। तो हमारे अपने शहर के लोगों से मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम लोगों को बाइक नहीं चलाते आती तो हाईवे पे तो बाइक लेके कतई मत जाओ, अगर जाना है तो किसी फोर व्हीलर में जाओ या रिक्शा वगैरह करके चले जाओ, लेकिन बाइक हाईवे के ऊपर मत लेके जाओ। ये हमारा अपना सोशल वर्करों का मैसेज है। मालेगांव कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं कासार साहब और हमारे मालेगांव कॉर्पोरेशन सिटी इंजीनियर, इनसे आज ये कहना चाहता हूँ कि जब स्कॉर्ट वसूली का टेंडर कॉर्पोरेशन ने निकाली थी मालेगांव महानगर पालिका ने, तो उस वक्त तो उसमें सर्विस रोड का भी काम था,
और जिस पे मालेगांव कारसन ने काम शुरू भी था, मगर क्या टेक्निकल अड़ी अड़चन की वजह से आज तक वो सर्विस रोड का काम हुआ नहीं। टेक्निकल अड़ी अड़चन नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का अकलियती का शहर है, इसलिए कोई अड़ी अड़चन नहीं है। हो सकता है सभी भाई की बात सही हो, मगर मैं एक जिम्मेदार होने के नाते, सर्विस रोड है सिर्फ मालेगांव में नहीं है ना, नहीं वो एक नगर से, मैं एक नगर से होने के जिम्मेदार होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते मैं कारपोरेशन इंतजामिया से और कमिश्नर से ये गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में आए दिन इस जगह पे हादसात होते रहते हैं, और इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से बॉम्बे से ले कर जहाँ तक ये एक्सप्रेस हाईवे बना है सर्विस रोड है, मगर मालेगांव शहर कारपोरेशन की लिमिट हद के अंदर ही सर्विस रोड नहीं बनाया गया, और जल्द से जल्द तो मालेगांव कारपोरेशन और प्रशासन इस सर्विस रोड को बनाए, नहीं तो उसके बाद अब हम तहरीक के रास्ते पे जाएंगे और शहर या हाईवे को बंद करेंगे, चक्का जाम तहरीक शुरू करेंगे। इतनी ही बात कहूँगा मैं आपसे आज इस माध्यम से। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब, ये लोग ये थे यहाँ पर कुछ लोग जो अपने राय का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि सर्विस इस, ये जो हाईवे का हादसा हुआ ये आए दिन की बात है, ये हादसा आए दिन होते रहते, जहाँ पर कुछ नौजवानों की जिम्मेदारी है, उनकी गलतियाँ है, वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी हाईवे के जिम्मेदारों की है कि मालेगांव शहर में नेशनल हाईवे है लेकिन हाईवे पर जो है सर्विस रोड नहीं है, इस तरह का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सर्विस रोड नहीं बना तो हाईवे को बंद करने का सोशल वर्कर काम करेंगे। जी देखते रहिए मानव समाचार।